ओडिशा की एक बेटी कुन्नी देवरी सौर ऊर्जा को अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं के रोजगार का माध्यम बना रही है। कुन्नी ओडिशा के केंदुझर जिले के करदापाल गांव में रहती है। वो आदिवासी महिलाओं को सोलर से चलने वाली रीलिंग मशीन पर सिल्क की कटाई की ट्रेनिंग देती है। मन की बात कार्यक्रम रे ओडियांकु भूरी भूरी प्रशंसा मान रखिले ओडिया झियो कुनी देहुरी भुवनेश्वर आईआईटी रो पदक्षेप को मोदी को प्रशंसा पोर्टेबल वेंटिलेटर उद्भावन करी एबे चर्चा रे रविवार रेडियो भित्तिक कार्यक्रम मन की बात रे देशर शक्ति क्षेत्र रो विकास ओ आत्मनिर्भरशीलता उपरे आलोकपात करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही अवसर से ओडिशा रो कुनी देहुरी ओ भुवनेश्वर आईआईटी रो पदक्षेप को प्रशंसा करिसंती। सौर शक्ति को उपयोग करी भारत विद्युत शक्ति उत्पादन करुछि। एथिपाई उत्पादन खर्च अनेक अंशरे ह्रास पाइछि। केन्दुझर करदापाला गाँव कुनी देहुरी सौर शक्ति रो उपयोग करी निजे रोजगार करिबा सह अन्यमानक पाई उदाहरण साजिछंती। सौर शक्ति सहायता रे रीलिंग मशीन चलाइबा सह सूता उत्पादन करुछंती कुनी। एथिसह आदिवासी मानकु सिल्क प्रस्तुत पाई तालीम देई रोजगार क्षम कराउछंती। यहा करी से निजे आत्मनिर्भर हेबा सह देशर अगणित महिलांक पाई प्रेरणार उत्स पलटिछंती। ओडिशा की एक बेटी कुन्नी देवरी सौर ऊर्जा को अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं के रोजगार का माध्यम बना रही है। कुन्नी ओडिशा के केंदुझर जिले के करदापाल गांव में रहती है। वो आदिवासी महिलाओं को सोलर से चलने वाली रीलिंग मशीन पर सिल्क की कटाई की ट्रेनिंग देती है। यह सब भुवनेश्वर आईआईटी रो एक टीम पोर्टेबल वेंटिलेटर उद्भावन करथिबारु यहाँ को भूरी भूरी प्रशंसा करिछन्ते प्रधानमंत्री। बैटरी चालित ही पोर्टल वेंटिलेटर नवजात शिशु को चिकित्सा पाई व्यवहार हो पारिबो। विशेष करी निर्धारित समय पूर्वरु जन्म हेउतिबा शिशु को चिकित्सा पाई ए वेंटिलेटर सहायता होइ पारिबो बोली मोदी कहिछन्ते। जैसे आईआईटी भुवनेश्वर की एक टीम ने नवजात शिशुओं के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। ये बैटरी से चलता है और इसका उपयोग दूर दराज के क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है। ये उन बच्चों का जीवन बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है जिनका जन्म तय समय से पहले हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, 5G हो, हमारे बहुत सारे छात्र इनसे जुड़ी नई टेक्नोलॉजी विकसित करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जो मन की बात कार्यक्रम हर महीना का अंतिम रविवार को होता है, करोड़ों लोगों के लिए बहुत एक उत्साह की अवसर होता है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। मोदी जी देश हित में बहुत सारे जानकारी देते हैं लोगों को, जनता को, विभिन्न वर्गों से, युवा हो, महिला हो, जनजाति समाज हो, जो कोई प्रयास कर रहे हैं देश को आगे लेने के लिए, वो उदाहरण वो सामने लाते हैं। हमारे लिए बहुत ये एक एनकरेजमेंट होता है। और ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, हम इसको कर्तव्य मानते हैं कि एकजुट होकर ना केवल हम कार्यकर्ता भाइयों और बहनों आदरणीय मोदी जी के मन की बात सुने, लेकिन स्थानीय लोगों को, स्थानीय जनता को भी शामिल करके ये संदेश पहुंचाए, ताकि ये एक एग्जाम्पल बने। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर। Thank you.